नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी विद जनमेजय पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी हेलो एल्केन के बारे में। हेलो एल्केन क्या होते हैं, ये कितने टाइप के होते हैं, तो पिछले वीडियो में हमने हेलो एल्केन के बारे में जाना। इस वीडियो में हम बात करेंगे हेलो एल्केन कैसे बनते हैं, मतलब हेलो एल्केन की बनाने की विधियों के बारे में बात करेंगे। तो हमने पहली विधि के बारे में बात करते हैं। पहली विधि हमारी हेलो एल्केन की बनाने की विधि है, इसमें एल्केन का हेलोजिनेशन कराते हैं तो हेलो एल्केन बनता है। हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, ये हमारी पहली विधि होगी हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। इस विधि में क्या होता है कि जब एल्केन की अभिक्रिया हेलोजन के साथ जब एल्केन की अभिक्रिया हाइलोजन के साथ सूर्य के प्रकाश या फिर अधिक टेम्परेचर पर कराएंगे तो हमें हेलो एल्केन प्राप्त होगा। तो देखिए, रिएक्शन देखते हैं। हेलो एल्केन के रूप में हम मेथेन लिखेंगे और क्लोरीन से रिएक्शन कराएंगे। हाइलोजन के रूप में क्लोरीन लेंगे और सनलाइट की प्रेजेंस में कराएंगे हम रिएक्शन। तो यूवी रेज सनलाइट प्रेजेंस में कराएंगे हम, तो हमें मेथिल क्लोराइड बनेगा और HCl बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा हेलो एल्केन बन गया, इसको हम एल्किल हैलाइड भी बोलेंगे। तो ये हमारा मेथिल क्लोराइड बन गया। लेकिन दोस्तों, इस रिएक्शन में अगर क्लोरीन की मात्रा अधिक हो जाती है, क्लोरीन की अधिकता में ये रिएक्शन मेथिल क्लोराइड नहीं बनाएगी। इस रिएक्शन में अगर क्लोरीन की मात्रा अधिक हो जाएगी तो हमारा लास्ट प्रोडक्ट कार्बन टेट्रा क्लोराइड बन जाएगा। तो देखिए, वो रिएक्शन भी देख लेते हैं हम। यहाँ पे मेथेन की रिएक्शन क्लोरीन से कराएंगे, क्लोरीन की एक्सेस मात्रा में कराएंगे। तो ये रिएक्शन कराते हैं लगभग 250 से 400 टेम्परेचर के बीच कराए देंगे। तो हमारा यहाँ से HCl, पहले यही रिएक्शन होगी हमारी, मेथिल क्लोराइड बनेगा। लेकिन आगे क्लोरीन की मात्रा अधिक है तो क्लोरीन से रिएक्शन स्वतः हो जाएगी, तो हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट मेथिलीन क्लोराइड बन जाएगा हमारा CH2 CL2, ये हमारा मेथिलीन क्लोराइड हो जाएगा। मेथिलीन क्लोराइड हमारा बन जाएगा और फिर यहाँ पर क्लोरीन से रिएक्शन हो जाएगी। तो फिर हमारा HCl बाहर हो जाएगा और फिर यहाँ पर CHCl3, तो हमारा क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। ये हमारा क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। ये रिएक्शन फिर एक बार और होती है क्योंकि अभी एक और H है, ये भी रिमूव होगा। तो फिर क्लोरीन से रिएक्शन होगी और HCl बाहर होगा, तो हमारा कार्बन टेट्रा क्लोराइड बन जाएगा। ये हमारा लास्ट प्रोडक्ट बनता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये हमारा बन जाएगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इस तरह से हमारी रिएक्शन पूरी हो जाएगी। क्लोरीन की एक्सेस मात्रा में कार्बन टेट्रा क्लोराइड बन जाएगा और क्लोरीन की सीमित मात्रा में मेथिल क्लोराइड बन जाएगा। तो दोस्तों, अब हम दूसरी रिएक्शन देखते हैं। दूसरी रिएक्शन में एल्कीन लेंगे और हेलोजन एसिड लेंगे। क्लोरीन और हेलोजन एसिड का प्रयोग करेंगे तो हमें एल्किल हैलाइड मिलेगा। तो एल्कीन में हम लेंगे एथिलीन का सूत्र C2H4 होता है। एथिलीन को हम ओपन करके लिखेंगे समझाने के लिए, CH CH, और यहाँ पर हम HBr हाइड्रोजन एसिड लेंगे HBr। तो देखिए, इन दोनों कार्बन की पावर सेम है तो इन दोनों इलेक्ट्रॉनों में से किसी को भी किसी भी तरफ घुमा दीजिए। अब जैसे हम इसको इधर घुमा दे रहे हैं, इधर घुमा देंगे और इसमें
ब्रोमीन जो है वो अधिक ऋणात्मक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, तो बॉन्ड इधर को घूमेगा, तो ये माइनस का हो जाएगा और ये हमारा प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का होगा और ये प्लस का होगा, तो हमारी रिएक्शन हो जाएगी सी एच एच सी एच एच, ये मैंने लिख दिया। यहाँ पर एक एच ये पॉजिटिव है और ये कार्बन निगेटिव है, तो यहाँ पर एच जुड़ जाएगा प्लस वाला माइनस के साथ, माइनस वाला प्लस के साथ, और यहाँ पर बी माइनस का है और सी प्लस का है, तो यहाँ पर बी आर जुड़ जाएगा, तो हमारा ये एथिल ब्रोमाइड बन जाएगा, एथिल ब्रोमाइड बन जाएगा। लेकिन दोस्तों इस रिएक्शन के दो कंडीशन होती हैं, इसमें एक मार्कोनको रूल के अनुसार रिएक्शन होती है और एक एंटी मार्कोनको रूल के हिसाब से होती है। ये दोनों रिएक्शन नॉन सिमेट्रिकल के लिए होती हैं, उन भी हम देख लेते हैं। कंडीशन वन इसमें देख लेंगे हम, नॉन सिमेट्रिकल के लिए इसमें कंडीशन वन होती है, कंडीशन वन रिएक्शन होती है हमारी नॉन सिमेट्रिकल के लिए, सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, ये हमारा नॉन सिमेट्रिकल हो गया प्रोपीन, और एच पी आर लिख दिया हमने। मार्कोनको रूल क्या होता है? मार्कोनको रूल के अनुसार यह होता है कि जब किसी हाइड्रोजन वर्ग के किसी तत्व की अभिक्रिया डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ कराते हैं, तो हाइड्रोजन ग्रुप मतलब ये हाइड्रोजन ग्रुप का अधिकतम विद्युत ऋणात्मक तत्व, ये हमारा अधिकतम विद्युत ऋणात्मक तत्व हो जाएगा डबल बॉन्डेड के उस कार्बन पर, ये इन दोनों कार्बन हो जाएंगे हमारे डबल बॉन्ड के, इन दोनों कार्बन में उस कार्बन पर अटैक करेगा जिधर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, इधर हाइड्रोजन की संख्या कम है, अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व इस पर अटैक करेगा, तो ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा और ये ऐसे टूटेगा, तो ये बी आर जहाँ पर जुड़ेगा तो रिएक्शन हमारी होगी सी एच थ्री सी एच और सी एच थ्री, ये एच यहाँ पर जुड़ जाएगा, ये प्लस में टूटा है, ये माइनस में टूटा है, ये माइनस में टूटा है और ये प्लस में, तो ये प्लस वाला माइनस के साथ जुड़ जाएगा और माइनस वाला प्लस के साथ जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर जुड़ जाएगा बी आर, इसे हम बोलेंगे आइसो प्रोपिल ब्रोमाइड, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, और इसे दूसरे नाम अगर IUPAC के नाम से लिखेंगे तो टू ब्रोमो प्रोपेन। नंबरिंग हम इसमें किसी भी तरफ से कर सकते हैं, एक दो तीन हमने ऐसे कर दिया, तो टू पे ब्रोमो छूटा, टू ब्रोमो प्रोपेन हो गया। अब हम थर्ड नंबर रिएक्शन देखेंगे, इसकी दूसरी कंडीशन देखेंगे हम, दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन में एंटी मार्कोनको रूल होता है, मार्कोनको रूल के अनुसार होगा ये रिएक्शन, ये हमारी रिएक्शन मार्कोनको रूल के अकॉर्डिंग हो गई। अब हमारी नेक्स्ट रिएक्शन जो होगी वो एंटी मार्कोनको रूल के अकॉर्डिंग होगी, उसमें भी हम लिखेंगे सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, और एच बी आर से जब रिएक्शन कराएंगे तो उसमें हमारा प्रोडक्ट जो है सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू बी आर बनेगा, इसमें ये एच यहाँ पर जुड़ेगा और बी आर यहाँ पर जुड़ेगा। इस रिएक्शन में आर टू ओ टू का प्रयोग करते हैं, आर टू ओ टू ये हमारा ऑर्गेनिक पराक्साइड होता है, और ये रिएक्शन हमारी एंटी मार्कोनको रूल के अनुसार होगी, एंटी मार्कोनको रूल के अकॉर्डिंग होगी। तो हम अब नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे कि थर्ड नंबर रिएक्शन क्या होती है। थर्ड नंबर रिएक्शन
थर्ड नंबर रिएक्शन में एल्कोहल और हेलोजन एसिड का प्रयोग करते हैं। एल्कोहल प्लस हेलोजन एसिड का प्रयोग करेंगे और इसमें इनके प्रेजेंस पे एनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। तो एल्कोहल लिखेंगे हम R OH प्लस XH, ये हमारा हो जाएगा हेलोजन एसिड हो जाएगा और ये हमारा एल्कोहल हो जाएगा। ये हमारा हेलोजन एसिड हो जाएगा। जब रिएक्शन कराएंगे ZnCl2 के प्रेजेंस में एनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस यहाँ पर रखेंगे तो रिएक्शन हो जाएगी आर एक्स प्लस H2O। यहाँ से वाटर बाहर होगा, ये OH और ये H मिलकर वाटर बाहर हो जाएगा तो हमारा ये एल्किल हैलाइड बन जाएगा। तो ये रिएक्शन हमारी थर्ड नंबर रिएक्शन कंप्लीट हो गई। अब हम फोर्थ नंबर रिएक्शन देखेंगे। फोर्थ नंबर रिएक्शन में भी एल्कोहल का प्रयोग करते हैं। एल्कोहल का प्रयोग करेंगे, एल्कोहल प्लस PCl5 या PCl3 किसी से भी करा सकते हैं, दोनों से कराएंगे हम यहाँ पे। तो जब हम कराएंगे पहले हम एल्कोहल लिखेंगे CH3CH2OH और PCl5 से रिएक्शन पहले कराएंगे। PCl5 से जब रिएक्शन कराते हैं तो CH3CH2Cl बनता है तो इसमें बाहर होगा हमारा POCl3HCl। जहाँ का एक Cl यहाँ पर जुड़ेगा और ये OH यहाँ पर HCl एक HCl के साथ बाहर हो जाएगा और POCl3 यहाँ पर बाहर हो जाएगा और Cl एक यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे PCl3 के साथ रिएक्शन की, CH3CH2OH और PCl3 से जब रिएक्शन कराते हैं तो भी हमारा यही बनता है CH3CH2Cl। लेकिन इसमें रिएक्शन पर बैलेंस करने के लिए इसके तीन और इसके तीन मोल लेते हैं और इसमें बाहर होता है H3PO3, ये बाहर होता है। और इस प्रकार देख सकते हैं आप यहाँ पे हमारा एथिल क्लोराइड बन गया, एथिल क्लोराइड बन गया। ये हमारा एल्किल हैलाइड हो जाएगा। तो अब हम दोस्तों देखेंगे रिएक्शन नंबर फाइव क्या है। फाइव नंबर रिएक्शन एल्कोहल की है। एल्कोहल के साथ थायोनिल क्लोराइड का प्रयोग करेंगे। थायोनिल क्लोराइड एल्कोहल का लिखेंगे हम पहले CH3CH2OH और SOCl2 के साथ, ये हमारा थायोनिल क्लोराइड SOCl2। जब रिएक्शन कराएंगे तो CH3CH2Cl और SO2 गैस के साथ HCl भी बाहर हो जाता है HCl। लेकिन यहाँ पर प्रेजेंस में इसके हम C5H5N लिखेंगे। इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है तभी एक हमारा एल्किल हैलाइड बनेगा। तो हमारी ये पांच नंबर रिएक्शन कंप्लीट हो गई। अब रिएक्शन नंबर छः हम देखेंगे। रिएक्शन नंबर छः इसमें मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर साल्ट और ब्रोमीन का प्रयोग करते हैं। सिल्वर साल्ट ऑफ मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रयोग ब्रोमीन के साथ करेंगे। इस रिएक्शन को दूसरे नाम से भी जानते हैं और एक नाम है बोरोडीन हांस टिकर
रिएक्शन। अधिकार रिएक्शन इस नाम से भी जानते हैं इसको। इसमें पहले हम सिल्वर साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे। ये कैसे बनेगा, तो इसके लिए हमको CH3COOH एस्टिक एसिड लिखेंगे। ये हमारा एस्टिक एसिड हो जाएगा। इसके रिएक्शन ब्रोमीन सिल्वर BRAG से कराएंगे, तो हमारा HBr बाहर होगा। HBr जब बाहर होगा तो CH3COAG बन जाएगा। ये हमारा सिल्वर साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। तो अब इसका उपयोग करेंगे। इसका नाम हो जाएगा सिल्वर एसीटेट, सिल्वर एसीटेट। अब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे CH3COOAG। इसकी रिएक्शन हम ब्रोमीन से कराएंगे, तो ब्रोमीन सी कराएंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में। ये हमारा अक्रिय विलायक होता है, ये हमारा अक्रिय विलायक होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। अगर उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग करते हैं तो इसका तो यहाँ पर रिएक्शन हो जाएगी CH3Br प्लस AgBr और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर हो जाएगी। ये हमारा मेथिल ब्रोमाइड हो जाएगा। इसको हम एल्किल हैलाइड के नाम से भी जानते हैं, एल्किल हैलाइड के नाम से भी जानते हैं, एल्किल हैलाइड के नाम से भी जानते हैं। अब हम इस तरह हमारी ये 6 नंबर रिएक्शन कंप्लीट हो गई। अब हम रिएक्शन नंबर 7 देखेंगे। 7 नंबर रिएक्शन वो हैलाइड की होती है, लेकिन उसमें दो हैलाइडों का प्रयोग करते हैं, तो उसमें दो हैलाइडों का एक्सचेंज एक दूसरे से होता है, दो हैलाइडों का एक्सचेंज होता है। इसलिए रिएक्शन को इस नाम से जानते हैं, बाय द एक्सचेंज ऑफ हैलाइड के नाम से जानते हैं, हैलाइड के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे CH3CH2PR एथिलीन ब्रोमाइड और सोडियम आयोडाइड, एथिल ब्रोमाइड और सोडियम आयोडाइड दो का प्रयोग करेंगे, तो फिर हमारी रिएक्शन होगी। रिएक्शन में C2H5I और सोडियम ब्रोमाइड, ये हमारा हो जाएगा एथिल आयोडाइड और ये हमारा हो जाएगा एथिल ब्रोमाइड। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ ब्रोमीन सोडियम के साथ और आयोडीन एथिल ब्रोमाइड के साथ एथिल ग्रुप के साथ जुड़ गया है, तो हमारा एथिल आयोडाइड बन गया। यही हमारा एल्किल हैलाइड हो जाएगा, एल्किल हैलाइड हो जाएगा। लेकिन यह रिएक्शन एसीटोन के प्रेजेंस में होती है, एसीटोन ध्यान रखिएगा आप लोग, ये रिएक्शन एसीटोन के प्रेजेंस में होती है। लेकिन इस रिएक्शन को एक और नाम से जानते हैं, वो नाम होता है फिंकलेस्टेन रिएक्शन। इस नाम से भी जानते हैं इसको, इस रिएक्शन को फिंकलेस्टेन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, ये आपकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। ये नेम्ड रिएक्शन होती हैं, ये भी इंपॉर्टेंट होती है 6 नंबर की और ये भी। तो इस तरह उम्मीद करता हूँ आपको ये रिएक्शन समझ में आ गए होंगे। और मिलते हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।